वहीं पिछले 5 से 6 दिन से गर्मी और उमस झेल रहे दिल्ली एनसीआर के लोगों को राहत मिली है। बता दें कि आज सुबह से हो रही लगातार बरसात, दिल्ली और नोएडा में बारिश के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। इससे पहले बिपरजॉय की वजह से राजधानी के तापमान में पिछले 2 से 3 दिनों में काफी कमी आई है। इसके बावजूद लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिली थी। वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक कहा जा रहा है कि दिल्ली में 2 दिनों तक बारिश हो सकती है। वहीं तापमान की बात की जाए तो दिल्ली में मैक्सिमम टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। इसके साथ ही राजधानी में बीते कल मैक्सिमम टेम्परेचर 48.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तो यहाँ पर आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि सुबह से हल्की बारिश जो है लगातार हो रही, जहाँ एक तरफ बीते कई दिनों से गर्मी से लोग काफ़ी परेशान नजर आए थे, वहीं अब इस बरसात के बाद कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिली है। हालांकि जो लोग दफ्तर के लिए, कामकाज के लिए सुबह निकले थे, काफ़ी देरी से पहुँचे, इस तरह की जानकारी मिल रही है। हालांकि गर्मी से राहत इस बार जो है मिलती हुई दिखाई दे रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि बिपरजॉय साइक्लोन का जो असर है अब धीरे धीरे करके गुजरात के बाद अन्य राज्यों में भी देखने को मिल रहा है, जिसमें से राजस्थान के बाद दिल्ली शहर का नाम भी इसमें शामिल है। तो आप देख सकते हैं कि मौसम विभाग की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में मौसम ऐसा ही बना रहेगा और बरसात जो है लगातार हो सकती है। तो फिलहाल के लिए सुबह से लगातार बरसात जारी है और ऐसे में लोगों को आने जाने में भी कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए, अन्य शहरों की बात करते तो किसानों के लिए ये बरसात काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकती है, वरदान साबित हो सकती है, ऐसा साफ तौर पर कहना है मौसम विभाग की तरफ से। क्योंकि जहां फसलों को काफी नुकसान पहुंच रहा था, वहीं इस बरसात के बाद से काफी फायदा मिलने वाला है सभी किसानों को। तो कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे पर जो है चिंता की लकीरों के बजाय खुशी देखने को मिल रही है। तो लगातार सुबह से बरसात हो रही है और बिपरजॉय साइक्लोन का जो असर है गुजरात के बाद राजस्थान में, दिल्ली, यूपी समेत तमाम राज्यों में देखने को मिल रहा है। टेम्परेचर भी आपको बता दें कि काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। टेम्परेचर करीब 40 डिग्री के आसपास पहुँच गया है। अब आपको बता दें कि 40 डिग्री से कम पहुँच गया है फिलहाल के लिए टेम्परेचर, और आने वाले दिनों में इससे भी कम टेम्परेचर दर्ज किया जा सकता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अवनेंद्र जुड़ गए। अवनेंद्र, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि सुबह से लगातार जो है बरसात हो रही है, क्या कुछ और अपडेट मिल पा रहा है, इस समय मौसम कैसा है? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अवनेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो तकनीकी कारणों के चलते संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन लगातार हम कोशिश करेंगे और अपने संवाददाता से जानने की ये कोशिश करेंगे कि फिलहाल के लिए दिल्ली एनसीआर में जो टेम्परेचर है कितना है और मौसम किस तरीके का देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी आपको बता दें, फिलहाल अपडेट यही है कि सुबह से लगातार बरसात हो रही है। और दोबारा हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ। अवनेंद्र, जैसे कि हम देख रहे हैं कि सुबह से लगातार बरसात हो रही है, क्या कुछ टेम्परेचर इस समय बना हुआ है? अवनेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो संपर्क नहीं हो पा रहा है, लगातार कोशिश कर रहे हैं अपने संवाददाता से बात करने की कि किस तरीके का मौसम जो है इस समय बना हुआ है। हालांकि आपको बता दें कि सुबह से ही लगातार झमाझम बरसात जो है देखने को मिल रही है, और लगातार हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं अपने संवाददाता से कि किस तरीके का जो मौसम है इस समय बना हुआ है। फिलहाल के लिए आपको बता दें कि दिल्ली में 2 दिनों तक तेज बारिश होने की जो संभावना है वो जताई गई है। मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि आपको बता दें कि जो असर है बिपरजॉय साइक्लोन की वजह से देखने को मिल रहा है।